अल्लाह माई यूटूब फ़ैमिली उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह पाक हर एक को अपने हिस्सों अमान में रखे सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों आमीन आज अचानक से गेस्ट आ गए थे हम कहीं गए हुए थे वहाँ से जैसे वापस आई तो अचानक से गेस्ट आ गए तो जल्दी जल्दी फ़ौरन से मैं उनके लिए कुकिंग करना इस्टार्ट हो गई तो यहाँ पर मैं आलू मटन बना रही हूँ पहले मैंने एक चम्मच ऑयल लिया और फिर ये पाँच बड़ी साइज़ के अनियन लिए हैं वो कट करके इसमें ऐड करती हैं क्विक और जल्दी जल्दी कुकिंग की जल्दी से बनाया अचानक से गेस्ट आ गए और हमें पता चला कि घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो जल्दी से जाने से ही कुकिंग स्टार्ट कर दी यहाँ पर मैं कुछ गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ जिसमें काली मिर्च है और ज़ीरा है दो दार है और दो छोटी इलायची हैं वो इसमें ऐड करके मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी मिक्स कर देंगे जब आपको क्विक बनानी हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं ये मैंने वन एंड हाफ़ के जी मटन लिया है वो इसमें ऐड कर रही हूँ हल्का इसको भून लूँगी भुनाई देने के बाद फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी तो ये देख लें हल्का सा मैंने भून लिया है इसको यहाँ पे मैं तीन टमाटर ले रही हूँ वो इसमें ऐड करूँगी हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे जल्दी से आपको जब बनाना हो मटन और कहें कि जल्दी ये क्योंकि ये गलने में थोड़ा सा टाइम लगाता है तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं ये मैंने वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया है और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च ये लाल मिर्च और ये हल्दी है हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड की है वन टेबल स्पून धनिया और वन टेबल स्पून मैंने कौरमा मसाला ऐड किया है और वन टेबल स्पून यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लें बस इसको थोड़ी सी हल्की सी मैं इसको भुनाई दूंगी। भुनाई देने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी पानी ऐड करने के बाद फिर मैं जल्दी से रोटियां बना लूंगी। ये देख लें ये भुन चुकी है अब मैं यहाँ पे पानी ऐड करूंगी। बस इतना पानी हो कि गोश्त गल जाए बस थोड़ा सा हो ज़्यादा नहीं डालना ये मटन इसमें डिप हो जाए बस अब यहाँ पे मैंने जब तक इसका प्रेशर आ जाए तब तक मैं जल्दी से रोटियाँ बना रही थी रोटियाँ बना के और चावल वग़ैरह बनाए थे साथ में मैंने कबाब बनाए थे शामी कबाब ये देख लें मैंने रोटियाँ बना ली हैं और अब मैंने थोड़ी सी शामी बना ली थी शामी कबाब जिसमें मैंने आलू बॉईल करके ऐड किए थे चिकन बॉईल करके ऐड किया था और साथ में मैंने चने की दाल ऐड की थी चिकन मेरे पास पड़ी हुई थी तो जल्दी से मैंने कहा चलो आलू और दाल को भी बॉईल कर लेते हैं और ये देखिए मैंने इसको पीस के अच्छे तरीके से इसको मैंने कबाब बना लिया था आप बस जल्दी से जो अचानक से गेस्ट आ जाएं देख लें आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें से आप सिंपल और जल्दी से दो तीन डिशेस रेडी कर सकते हैं तो वो आप करके प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छा भी लगता है बंदा अगर कोई गेस्ट आ जाए तो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए जो भी चीज़ आप बनाए हमारे गेस्ट इसलिए अचानक से आ गए थे उनको असल में कहीं और जाना था तो लंबा रूट हो जाता इसलिए उन उन लोगों ने कहा कि चलो एक घंटा हम आपकी तरफ स्टे करेंगे साथ में खाना वगैरह भी खा लेंगे तो उसके बाद वहाँ से चले जाएंगे तो हमने कहा चलो जल्दी से हमारे पास एक दो घंटे हैं तो जल्दी जल्दी मैंने कुकिंग कर ली थी जो समझ में आया अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लिया था तो ये देख लें मेरे मटन गल चुका है तो यहाँ पर मैं आलू ऐड कर रही हूँ और ये देखें साथ में मैंने कबाब भी बना लिया जब तक आलू बॉय बॉयल हो रहे थे तब तक मैंने शामी कबाब बना लिए और यहाँ पे ये देखें मैं चावल बना रही हूँ अब मैंने ये प्याज डाले हैं थोड़े से इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी और थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर दूँगी थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड करूँगी और टमाटर और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी साथ में थोड़ा सा बुनाई के दे दी जाऊँगी जल्दी जल्दी रेडी कर दी जाऊँगी और ये देखें मेरे पास चने बॉयल किए हुए रखे हुए थे तो वो मैंने ऐड कर दिए असल में मैंने मटर मंगवाए थे मैंने कहा मटर में बनाऊँगी मगर इतनी लेट हो रही थी तो जल्दी जल्दी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मटर निकाल सकूँ तो मैंने फिर चने ऐड कर दिए ये देख लें जल्दी से ये भी रेडी हो गए और साथ में आलू गोश्त भी रेडी हो चुका है हल्का सा इसको बुनाई दे के मैं इसका शोरबा बना लूँगी और साथ में ये देखें चावल भी रेडी हो रहे हैं इनका पानी ड्राई हो चुका है ये सफ़ेद और सिंपल से रेडी बनाए किए थे मैंने चावल तो हल्का सा इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए और इसका लुक अच्छा करने के लिए मैंने इस पर थोड़ा सा फ़ूड कलर ऐड कर दिया था ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप प्रेजेंट कर लें अच्छे तरीके से तो बहुत ही अच्छा लगता है गेस्ट के सामने कि बंदा दो तीन चीज़ें बन गई अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं भी तो उसमें से भी काम चल सकता है ये देखें साथ में ये मटन भी रेडी है और चावल भी मेरे रेडी हो चुके थे और शामी कबाब भी रेडी कर लिए थे मैंने फ्राई कर लिए थे सॉरी मैं फ्राई करते हुए आपको नहीं दिखा पा... नहीं दिखा पाई और जो छोटी छोटी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड कर दी वो आपके सामने मैंने पेश की हैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज